हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइल मैनेजर के बारे में जिसकी मदद से आप काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स कर सकते हैं। वैसे तो आपके फोन में एक बेसिक फाइल मैनेजर दिया जाता है, लेकिन उस फाइल मैनेजर की मदद से आप काफी सारी चीजें नहीं कर सकते। इसीलिए आज मैं आपको एक बेस्ट फाइल मैनेजर बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस फाइल मैनेजर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर जानना चाहते हैं आप इस फाइल मैनेजर के बारे में, तो फिर देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। सो फ्रेंड्स, जिस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले थे वो एप्लीकेशन है फाइल गो। ये गूगल का प्रोडक्ट है और इस एप्लीकेशन में सबसे मेन बात यह है कि इसमें एडवर्टाइज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी किसी भी फाइल मैनेजर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं और वो अगर प्रो वर्ज़न नहीं है तो उसमें ज़रूर एडवर्टाइज होंगे, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल एड फ्री एप्लीकेशन है और गूगल का प्रोडक्ट है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को अब ओपन कर लेते हैं। बाकी आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चाहें तो वीडियो के एंड स्क्रीन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको जंक फाइल का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से हम अपने मेमोरी कार्ड में जो भी जंक फाइल है उनको रिलीज कर सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो इंटरफेस है वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं लो रेजोल्यूशन मीडिया एंड मेम्स करके ऑप्शन है, इसके नीचे भी कई सारे ऑप्शन हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमें सारे फाइल मैनेजर में नहीं मिलते हैं या फिर हमारे जो बेसिक फ़ोन का जो फाइल मैनेजर होता है तो उसमें भी नहीं मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें और काफ़ी सारे फीचर दिए हुए हैं। यहाँ पर हम फाइल्स पे अगर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें काफ़ी सारी कैटेगरी मिलती हैं, डाउनलोड, ऐप्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, जिसमें भी हम अगर क्लिक करेंगे तो हमने डाउनलोड अगर कुछ किया हुआ तो वो डाउनलोड फोल्डर में आएगा। एप्लीकेशन अगर हमारे फ़ोन में है तो वो एप्लीकेशन में आ जाएंगी, इमेज में आ जाएंगे, वीडियो वीडियोज़ में आ जाएंगे। इसी तरह से कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई हैं, सबका जो भी मटेरियल है वो सारी कैटेगरी में दिया हुआ है। इसके अलावा जो हमें यहाँ पर सबसे बेस्ट और एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है वो है ट्रांसफ़र सिक्योरली विदाउट इंटरनेट। इस फीचर की मदद से हम अपनी सारी फाइल्स को किसी दूसरे फ़ोन में सेंड कर सकते या फिर रिसीव भी कर सकते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन। और अगर सभी लोग इस एप्लीकेशन को जब यूज़ करेंगे तो हमें जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन काफ़ी सारी शेयरिंग के लिए यूज़ करना पड़ती है तो वो भी यूज़ नहीं करना पड़ेंगे, इससे भी हमारे फ़ोन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन होंगी तो हमारा फ़ोन भी स्लो चलेगा, और कम से कम अगर एप्लीकेशन होंगी तो हमारा फ़ोन फास्ट चलेगा। इसके अलावा भी इसमें कई सारे फीचर हैं, आप इसको एक बार जब यूज़ करेंगे तो आप उन सभी फीचर को देख पाएंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।